अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दहसूफा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं। बीएस प्रोग्राम्स और डिफरेंट दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसको एंड तक देखिए। ये जो है ना दहसूफा यूनिवर्सिटी के आप जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन ओपन फॉर 2023। ठीक है, ये इनकी जो ना मेन जो पेज है वहाँ पर है डी ई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद बी एस कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिकल एंड प्रोग्राम, उसके बाद बीबीए में फाइनेंस एचआरएम मार्केटिंग और मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद एमबीए के फाइनेंस एचआरएम मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद एमएस कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट साइंस और एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट साइंस, उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस और बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई से पहले पहले जो ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन के बाद ऐसे देखें तो दहसूफा यूनिवर्सिटी टेस्ट जो ना 50%, उसके बाद इंटरमीडिएट 25%, मैट्रिक 50% और इंटरव्यू जो ना 10%, उसके बाद जो है ना फैकल्टी ऑफ ईएएस, ठीक है, उसका भी जो ना आप जो ना परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन देख सकते हैं। दहसूफा 50%, इंटरमीडिएट 40% और मैट्रिक जो ना 10%। ठीक है, इसके अगर आप फीस स्ट्रक्चर चेक करें तो यहाँ से जो ना आप फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से एडमिशन फी 15,000 है, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन मनी रिफंडेबल है जो कि, ठीक है, उसके बाद जो है ना पर सेमेस्टर फ़ी, ट्यूशन फ़ी वगैरह 4,830 है। ठीक है, ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर के मुताबिक है। ठीक है, वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो ना फीस बन जाती है। तो यहाँ पे जो है ना आप मिसकिस आईटी चार्जेस और मिसकिस चार्जेस यहाँ से आप जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जो फ़ी है, ठीक है, वो 1,54,000 है। ठीक है, सेमेस्टर फ़ी विदाउट एडीएम एंड मनी 1,29,000 और क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी। ठीक है, ऐसे ही जो ना आप इनकी जो ना डिफरेंट प्रोग्राम की बीएस सिविल 1,31,000, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस 1,29,000, डेटा साइंस 1,29,000, इंटरनेशनल रिलेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे ही जो ना बीएस साइकोलॉजी बीबीए, बीएस बिजनेस और उसके बाद जो ना बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 1,24,000, एम बी ए 2 ईयर 1,09,000, उसके बाद एम एस 95,000 और पी एच डी 80,000। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है ना डिफरेंट जो है ना डिग्रीज प्रोग्राम के डिफरेंट फीस जो ना आप यहाँ से चेक कर, अप्लाई के लिए जो ना आपने यहाँ पे ही क्लिक करना है। ठीक है, टेस्ट सैम्पल यहाँ से चेक कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे जो ना सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ना एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे रीड एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह, ये एलिजिबल कि आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। ठीक है, एंटर आल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली चेक ऑल द डिटेल्स। ठीक है, अपलोड आल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फीस नॉट रिफंडेबल, ऑन कैंपस फ़ी जो है ना वो 1500 है और आउट कैंपस फ़ी जो है ना 2500। ठीक है, मोड ऑफ टेस्ट ऑन कैंपस और ऑनलाइन, यहाँ से आप जो है ना क्लिक कर दीजिएगा जिस पे भी आप जो ना अप्लाई करना चाहते हैं। प्लीज़ चूज़ योर प्रोग्राम, यहाँ पे किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। चूज़ योर स्टूडेंट टाइप्स, फ्रेश या माइग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो स्टूडेंट माइग्रेट करके आए हैं वो यहाँ पे माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे, जो फ्रेश है फ्रेशमैन है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और यह यहाँ पे जो है ना ये कौन सा आपका ईमेल है। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और जो है ना सिटी ऑफ बर्थ, सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी, उसके बाद सेकंड नेशनैलिटी है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जेंडर और उसके बाद रिलीजन, यहाँ पे आपने रिलीजन जो है ना सिलेक्ट करना है जो भी आपका, उसके बाद सीएनआईसी और उसके बाद जो है ना डोमिसाइल, डोमिसाइल कहाँ के है आपका। ठीक है, यहाँ से जो है अपना डोमिसाइल वगैरह एंटर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी जो है ना आपने फिल करनी है, कंट्री, सिटी, एरिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना पेरेंट्स गार्डियन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सीएनआईसी स्टेटस वगैरह सारा। उसके बाद प्रोग्राम अप्लाई, किस प्रोग्राम में जो ना आप अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, यहाँ पे आपने जो ना अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो ना सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, और सेकेंड प्रेफरेंस अगर एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते तो एक ही प्रोग्राम। उसके बाद रेगुलर जो है ना एडमिशन, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। और उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करने हैं, नेम, इंस्टीट्यूट, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर, परसेंटेज, सीजीपी तो नहीं थी, ठीक है, परसेंटेज ही थी, रिजल्ट जो है ना रिजल्ट आ गया है, ठीक है, पास है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड अपना लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, जो भी आपने किया था उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड कौन सा था, जो भी बोर्ड था आपका वहाँ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर कौन सा था,
तो परसेंटेज कितनी आई है, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट रिजल्ट वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं वो यहाँ पे पास पे, मेरा रिजल्ट वेटिंग है अभी तो यहाँ पे ग्रेट, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये आपने जो है ना ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है ना ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद NTS टेस्ट दिया है कि नहीं, SAT टेस्ट दिया है, NEET टेस्ट दिया है, ठीक है, स्कोर वगैरह यहाँ पे लिखने हैं आपने। अगर ये टेस्ट दिया तो यहाँ पे स्कोर लिखेंगे, अगर ये दिया तो या ठीक है। उसके बाद ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आई हैव रीड, और यहाँ पे जो है ये सच एस कोड आपने एंटर करना है, और यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मैट्रिक और FSC के आपने जो है ना GPG फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट करनी है, फिर आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी 1500, वो आपने बैंक में सबमिट करवानी है, और उसको जो है ना फिर अपलोड करना है, ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस था। एंड पे जो ना आपको फाइनल सबमिशन की जो ना ऑप्शन आ जाएगी, फाइनल सबमिशन करके आपको जो ना मैसेज आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज सबमिट सक्सेसफुली। उसके बाद फिर जो ना आपने, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर टेस्ट में अपियर होना है, ठीक है, टेस्ट देना है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, फिर आपका एडमिशन होगा। इसके बाद इसको भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में लिखेगा।